Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with a new chapter, chapter number 4 of class 6 history, and the chapter's name is What Books and Burials Tell Us. So जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भी बुक्स वगैरह हैं, जो हमारे पुराने टाइम की एक तरह से इंस्क्रिप्शंस हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, और जो बरियल्स हैं, जो कि जैसे जमीन में जो चीज़ें दब गई थी और आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, तो ये सारे जो बरियल्स एंड बुक हैं ये हमें क्या बताते हैं, ये हमारे पास्ट के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं. सो इन सब चीज़ों से हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे, राइट. सो सबसे पहले अगर आपने अर्लियर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन, आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जितने भी पहले वाले चैप्टर्स हैं आप वहाँ देख सकते हैं, राइट. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपसे कोई भी हमारी नई वीडियो छूटे ना. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस. सो ये है मिस मैरी. सो ये अपने स्कूल में होती है, जो मैरी होती है वो अपने स्कूल में होती है, और जैसे ही बेल बजती है उनके टीचर क्या कहते हैं, वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, वो उनको फॉलो करने कहते हैं. अब ये जो मैरी के टीचर हैं वो आज सभी बच्चों को, मैरी के क्लास के सभी बच्चों को लाइब्रेरी ले जाते हैं. तो ये सारे बच्चे पहली बार लाइब्रेरी जा रहे होते हैं, और मैरी जैसे ही लाइब्रेरी में कदम रखती है तो वो देखती है कि ये जो लाइब्रेरी है ये उसके क्लासरूम से बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट. और यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ शेल्व्स ही शेल्व्स हैं, और जिसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ बुक्स भरी हुई हैं. अब एक कॉर्नर पे नज़र पड़ती है मैरी की, तो जिसपे एक कबर्ड रखा होता है, तो उसमें मैरी देखती है कि वो जो कबर्ड है वो पूरा के पूरा बड़ी बड़ी बुक्स से भरा हुआ है, और ये बुक्स जो थी वो बहुत ही पुरानी बुक्स थी, राइट. अब इसे देखकर जो मैरी है वो उसको खोलने की कोशिश करती है, उस कबर्ड को खोलने की कोशिश करती है. अब टीचर उसको देख रहा होता है, तो फिर टीचर मैरी को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस कबर्ड में बहुत ही स्पेशल बुक्स रखी हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड जो हैं बहुत ही स्पेशल बुक्स रखी हैं इस कबर्ड में, और क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास सेट ऑफ वेदास भी है. अब मैरी ये सोचने लगती है, भाई ये वेदास क्या है, मैरी ने पहली बार सुना तो उसे नहीं पता था कि वेदास क्या है. तो हम इसी बारे में देखेंगे, हम इस चैप्टर में वेदास के बारे में जानेंगे, राइट. सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड. सो इस सेक्शन में हम कुछ उन बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी बुक्स में से एक हैं. तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वेदास के बारे में पहले सुना हो, सो और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि मैरी की तरह होंगे जो पहली बार वेदास के बारे में सुन रहे होंगे. तो हमारे पास मेन फोर वेदास हैं, राइट, जो हमारे चार वेद हैं. उनमें से कौन कौन से हैं, वो हैं ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद. सो दीज आर द फोर वेदास वी हैव. सो इन सभी वेदों में से जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, राइट. जो ऋग्वेद है वो आज से लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था. ऋग्वेद में लगभग 1000 से भी ज़्यादा हिम्स हैं, राइट. हिम्स क्या होता है, एक तरह से जैसे वैदिक मंत्र वगैरह होते हैं ना, तो उन्हें हम हिम्स कहते हैं. और इन हिम्स को, जो ऋग्वेदा में जो भी हिम्स थे उन्हें क्या कहा जाता है, सूक्त. सो सूक्त मतलब वेल सेड, राइट, कि मतलब अच्छी बातें, जैसे कि अच्छी वाणी. सो सूक्त. अब ये जो सूक्तास हैं, ये जो हिम्स हैं, ये सारी जो भी लिखी गई हैं ये अलग अलग देवी और देवताओं की तारीफ में लिखी हुई हैं. सो ऋग्वेद में तीन स्पेशली जो है इम्पॉर्टेंट देवी देवता हैं, तो वो कौन कौन से गॉड्स हैं, तीन इम्पॉर्टेंट, वो हैं अग्नि, जो कि गॉड ऑफ फायर है, अग्निदेव, इंद्र, जिन्हें कि अ वॉरियर गॉड भी कहा जाता है, जिनसे जब हमें बारिश के लिए हम प्रे करते हैं ना, राइट, तो इंद्रदेव से करते हैं. सो इंद्रदेव, जिन्हें कि स्वर्ग का राजा भी कहा जाता है. सो दूसरे हैं इंद्र, और तीसरा है सोमा. तो ये प्लांट है तो जिससे कि स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है, और उस ड्रिंक को क्या कहते हैं, सोमरस. तो ये जो तीन गॉड हैं ये स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं, अग्नि, इंद्र एंड सोम. अब ये जितने भी हिम्स हैं इन सभी को सेजेस ने कंपोज किया है. सेजेस मतलब ऋषि, जो भी ऋषि मुनियाँ हैं उन सभी ने ये हिम्स को लिखा हुआ है. अब जो प्रीस्ट होते थे, जो भी पुजारी होते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को ये जितने भी हिम्स होती थी उनको रिसाइट करते थे, ठीक है. उस टाइम ये लिखने पढ़ने का तो सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम जो भी चीज़ें थी वो बोलकर ही याद करी जाती थी, एक इंसान से दूसरे इंसान को बोलकर ही बताई जाती थी.
तो जो पुजारी होते थे, जो प्रिस्ट होते थे, वो अपने स्टूडेंट को इन सभी हेम्स को रिसाइट करते थे और उन्हें मेमोराइज करवाते थे। अब जब ये इनको मेमोराइज करवाते तो वो एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का, मतलब छोटी से छोटी चीज़ का ना बड़े ध्यान रखते थे, राइट, कि सारी चीज़ों को जो है वो बहुत ही केयर के साथ उनको याद करवाते थे, ताकि अगर अभी गलत हो गया तो फिर जब वो आगे किसी और को सिखाएंगे तो वो भी उनको फिर गलत सिखाएंगे, तो ऐसी कोई गलती ना हो जाए। इसीलिए जो प्रीस्ट थे वो अपने स्टूडेंट को बहुत ही ध्यान से याद करवाते थे। अब ज़्यादातर जो हिम्स थी, सूक्तास थी, वो आदमियों के द्वारा ही कंपोज की जाती थी, आदमियों के द्वारा ही लिखी जाती थी, और आदमी ही उन्हें सीखते और सिखाते थे। मतलब ज़्यादातर ये जो कंपोजिशन हो गया, टीचिंग हो गया, और जो लर्निंग थी वो मैन के द्वारा की जा रही थी। बहुत कम ही ऐसी कंपोजिशन थी जो कि वुमेन ने की थी, ठीक है, कुछ ही जो हाइम्स थी वो वुमेन ने लिखी हुई थी। जो ऋग्वेद है वो ओल्ड, या फिर जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, उसमें लिखी गई है। मतलब जो हम आज संस्कृत पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते होंगे संस्कृत अपने स्कूल में, तो वो जो संस्कृत है उससे बहुत अलग है, जो वैदिक संस्कृत है उससे काफ़ी अलग है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है वो वैदिक या फिर ओल्ड संस्कृत में लिखी हुई है। नाउ संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। सो एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है, मतलब एक तरह से ग्रुप है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का एक ग्रुप बना दिया गया है, तो उसे कहा है फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, जिसको कि क्या कहते हैं, उस फैमिली ऑफ लैंग्वेज को कहते हैं इंडो यूरोपियन, राइट, इंडो यूरोपियन। तो उस फैमिली का पार्ट है, इंडो यूरोपियन जो फैमिली है उसका पार्ट है संस्कृत। सो संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन फैमिली जो है लैंग्वेजेस की, उसका पार्ट है। सो कुछ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि असामीज हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, और कुछ एशियन लैंग्वेजेस हो गई जैसे कि पर्शियन, और बाकी जो यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें जो कि फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, ग्रीक एंड इटालियन एंड स्पेनिश जो है वो इस इंडो यूरोपियन जो फैमिली ऑफ लैंग्वेज है इससे बिलोंग करती हैं। सो कुछ इंडियन लैंग्वेजेस और कुछ एशियन और उसके साथ साथ कुछ यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडो यूरोपियन जो फैमिली है लैंग्वेजेस की उससे बिलोंग करती हैं, उसका पार्ट है। अब इन भाषाओं को फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि सेम ही ओरिजिन से निकल के आए हैं। मान लो कि मतलब इन सभी लैंग्वेजेस का एक तरह से कह सकते हैं जो सोर्स है वो सेम है, तो मान लो ये मेन लैंग्वेज है या फिर ये कोई वर्ड है, तो इससे अलग अलग जो है फिर और निकलने लग गए, तो फिर इन सबको क्या कहने लग गए, ये जो नई नई लैंग्वेजेस निकली इनकी ओरिजिन तो सेम है, ये बने तो सब इसी से हैं, एक उससे, तो इनको क्या कहने लग गए, फैमिली कहने लग गए, राइट, क्योंकि इनकी जो ओरिजिन है, ठीक है, वो सेम है। अब जैसे कि संस्कृत का वर्ड ले लो मात्र, तो हिंदी में क्या होता है माँ, और इंग्लिश में क्या होता है मदर, तो देखो सुनने में एकदम थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, तो इसी तरह से इनकी जो ओरिजिन है वो सेम ही है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है। सो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं बाकी, वो सारी अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं, राइट। जैसे कि हम बात करें जो कि भाषाएं नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो करती हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती हैं, नॉर्थ ईस्ट वाली, ठीक है। वही हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम लैंग्वेज की बात करें तो ये द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, जो द्रविड़ियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है उससे बिलोंग करती हैं। वहीं जो कि लैंग्वेजेस जो हमारे झारखंड एंड मतलब सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं, वो वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो अलग अलग भाषाएं हैं वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं, राइट। अब आज जिन बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं वो सारी क्या होती हैं, वो रिटन एंड प्रिंटेड होती हैं, वो लिखी हुई होती हैं और वो प्रिंटेड होती हैं, ठीक है। बट जो ऋग्वेदा थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, वो क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को रिसाइट करते थे और उनको मेमोराइज करवाते थे, याद करवाते थे। मतलब कि जो ऋग्वेदा थी उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सुनने और बोलने के थ्रू, जो कला है हमारी, मतलब बोलकर और सुनकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया जाता था, राइट। और जब ऋग्वेद जो है फर्स्ट कंपोज्ड हुई थी ओरिजिनली, जब उसे बनाया गया था, तो उस टाइम उसे लिखा नहीं गया था, तुरंत तुरंत ऐसा नहीं था कि उसे बनाया और लिख लिया, ठीक है, बहुत सालों तक उसको पास ऑन किया गया रिसाइट एंड हर्ड के हर्डिंग के थ्रू, राइट। बट उसके बहुत सी सेंचुरीज बाद, जब वो फर्स्ट कंपोज्ड हुई थी उसके बहुत से सदियों बाद उसको लिखा गया, और आज से लगभग 200 साल पहले ही उसको प्रिंट किया गया, राइट।